जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड BPSC में। दोस्तों, आज हम लोग मई का करंट अफेयर देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो करंट अफेयर हैं मई मंथ के, वो सारे हम लोग देखेंगे। ये हमारा पहला भाग होगा, हम दो दो कर वीडियो करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको देख लेंगे। और उसके बाद पेपर कटिंग का भी मेरे पास करंट अफेयर आ चुका है, जो पेपर कटिंग अभी बहुत सारे यूट्यूब पर बड़े बड़े जो टीचर हैं उसको वो प्रीफर कर रहे हैं, उसको भी हम लोग बारी बारी से कर लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे लोग। तो पहले ये जो इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न होंगे करंट अफेयर के मई मंथ का, इसे आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त के थका, जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी किस कोरोना वैक्सीन से सामने आई है। मतलब जो रक्त का थका जमता है और प्लेटलेट कम होता है, उसकी जानकारी कौन से कोरोना वैक्सीन से सामने आई है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, हो जाएगा इसका कोविशील्ड। ये कोविशील्ड जो है, इसी से इसके बारे में जानकारी सामने आई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। देख लीजिए, ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती मतलब कोर्ट में इन लोगों ने क्या किया, इसको अपना प्रस्ताव रखा। तो कोर्ट ने इसको क्या किया, कोर्ट में ये हुआ कि देखिए, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस मनुष्य में रक्त के थका और रक्त प्लेटलेट की कमी का कारण बनता है। किसके वजह से, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम और थ्रोम्बोसिस के कारण क्या होता है, ये रक्त का जमाव करता है शरीर में, जिसके वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका कि चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है। चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है, तो पाकिस्तान के लिए। किसके लिए, पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए, चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए ये पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है ना। और यह श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से पहली थी, जिसे पाकिस्तानी नौसेना ने 2028 तक अपने बड़े पैमाने पर इसे शामिल करेगी। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष तो वेरी सिंपल, 1 मई को मनाया जाता है, ठीक ना। कितने मई को, 1 मई को। भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था, तो 1 मई 1923 को मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में है। दोस्तों, क्या करेंगे आप, जाएंगे सेटिंग में कर इसको भी तीव्र गति से थोड़ा देख सकते हैं, अगर आपको स्लो लगे बोलने में तो, ठीक है, सुनने में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। IUCN के पर्यवेक्षण में जो शामिल हुआ था, जिसका सर्वेक्षण किया गया था, वो नीलगिरी ताहर राज तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्रिटिकल मिनरल्स, भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार SSC हो गया, BPSC खासकर 70 हो गया, ठीक है ना, SSC हो गया, इसमें करेंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर बिहार लेवल पर जो भी परीक्षाएं होते हैं उसमें करेंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर 70 BPSC के लिए 30 से 32 करेंट अफेयर हमेशा पूछे जाते हैं। तो टारगेट हमारा रहेगा BPSC के लिए भी, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, चूँकि 29 से 30 अप्रैल के बीच 2024 तक
जो खान मंत्रालय, जिसे खनन मंत्रालय भी बोलते हैं, ठीक है ना, सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ये क्या है, एक फाउंडेशन है, उसी के तहत इसका क्या किया गया, क्रियाकलाप किया गया था, ठीक है, उसी के द्वारा आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है। रैपेज मिसाइल की विशेषता इसमें पूछ रहा है, तो ये हवा से सतह तक मार करती है, ठीक है, हवा से सतह तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कृष्णा येला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कृष्णा येला को नियुक्त किया गया है। दो बार पढ़ देंगे ताकि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक से दो बार हालांकि आपको देखना चाहिए, करेंट अफेयर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किस न्यूज चैनल से है। AI तो ये इंडिया टुडे ग्रुप, ठीक है, ये कौन से, देखिए ये सम्मानित है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो है इसे सम्मानित है AI एक एंकर सना, ठीक है, इनका संबंध किससे है, इंडिया टुडे ग्रुप से। अगला प्रश्न आगे देख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। छठी एशियाई कैरम चैम्पियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई। छठी एशियाई कैरम चैम्पियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई, तो ये मालदीव में हुआ था। कहाँ हुआ था, मालदीव में, ठीक है। देखिए मालदीव कहने का मतलब है कि ये जो हुआ था ना, ये दोनों पुरुष और महिला दोनों का युगल खिताब था, जिस पर पुरुष और महिला दोनों ने कब्जा कर लिया था। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टाइम की वैश्विक एडिटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। टाइम की वैश्विक एडिटेक रैंकिंग 2024 में किसे पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है एमेरिटस को मिला है। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा 250 कितने 250 शीर्ष एडिटेक कंपनियों की नई वैश्विक रैंकिंग में भारतीय एडिटेक स्टार्टअप एमेरिट्स ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडिटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें एमेरिट्स की स्थापना जो हुआ था 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है IQ एयर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। IQ एयर के अनुसार तो काठमांडू, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। IQ एयर के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो काठमांडू बन गया है दोस्तों। और ये कितने 101 शहरों के वास्तविक समय के प्रदूषण को मापा गया, जिसमें काठमांडू को पहला स्थान। काठमांडू कहाँ है दोस्तों, ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, कांके संतुरई बंदरगाह, तो ये श्रीलंका, ठीक है ना, कहाँ है, श्रीलंका में है, और वहीं पर इसको क्या अधिकार मिले हुए, नवीनीकरण है मतलब नई अभी, ठीक है, लेटेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन बनी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन बनी है। महिला सरपंच पूछ रहा है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, देखिए सुप्रिया दास दत्ता ये बनी है, नीरू यादव भी बनी है, और कुनकू हेमा कुमार, यानी सभी लोग बने हैं, ठीक है, तो याद आप दिमाग में बैठा लेना है, जितने भी नाम हैं सुप्रिया दास दत्ता, नीरू यादव, कुनकू हेमा कुमारी, ये सब क्या हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में शामिल किया है महिला सरपंच की श्रेणी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चूँकि अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर, जिसे क्या बोलते हैं, जीएसटी, राजस्व संग्रह में अब तक का सबसे अधिक कितना 2.10 लाख करोड़ रुपये का क्या हुआ है, संग्रह दर्ज किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। 1 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो प्रणाली का ऑडिशन के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण इसका किया गया था। ठीक है, कहाँ से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? टर्पीडो है, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ हुई थी? पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था दोस्त। ठीक है, कहाँ हुआ था? झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला वर्ग की बात बोल रहा है, ठीक ना? तो राइट आंसर इसमें से केन्या हो जाएगा, केन्या ने जीता है। ठीक है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10 के बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये आपके कौन बने हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चीन के चंद्र मिशन Chang'e 6 पर लॉन्च होने वाला पहले लूनर मिसाइल मिशन ICUBEQ का संबंध किस देश से है? सिंपल बोलिएगा प्रश्न में, अगर आपको यूँ देखेगा ICUBEQ किस देश के साथ इसका रिलेशन है, ICUBEQ का किस देश के साथ, तो सीधे आपको क्या मारना होगा, चार को ऑप्शन है देख लीजिए। इसमें से सबसे ज़्यादा देखिए पाकिस्तान, ठीक है ना, यहाँ पर छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? 46वीं अंटार्कटिकी संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है ना, 46वीं देख लीजिए, 20 से 30 मई 2024 तक, ये चूँकि करेंट अफेयर मई का है इसलिए हम सब मई का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने क्या किया, भाग लिया था। ठीक है, 60 से अधिक देशों ने भाग लिया और 350 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ़ होने का प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किया है? चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ़ होने का प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किया है? तो ये जो अंतरिक्ष है आपको इसरो कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में है। ठीक है, इंडियन स्पेस, तो इसके द्वारा बर्फ़ का प्रमाण का पता चलता है चला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसमें पहले स्थान की बात बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर UAE, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसने पहला स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ? 176वीं मतलब वर्षगांठ नहीं मरने पर जयंती मतलब जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है, 176 मतलब जब से जन्म हुआ और अभी तक कितना, 176वीं जयंती हुआ किनका, राजा रवि वर्मा का। ठीक, इनका एक पेंटिंग था इंदुलेखा, इनका वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका केरल में, ठीक है ना, केरल में। केरल भारत का सबसे साक्षरता दर वाला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो ये किया है दुर्ग सेकेंड का। DRDO ने दुर्ग सेकेंड का लेजर हथियार संबंधी परियोजना का क्या किया है? अनावरण किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और छोटा कर देते हैं, देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए दो राज्य समाधान की वकालत की है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए दो राज्य समाधान की वकालत की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका इजराइल और फिलिस्तान, किसका, इजराइल और फिलिस्तान का। आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनियों और इसराइल के लिए दो राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। रुचिरा कम्बोज ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल पर हमले किए गए, किसने कहा, रुचिरा कम्बोज ने यह बताया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों पुणे में, कहाँ, पुणे में विकसित किया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसको मिला है? आधिकारिक तौर पे भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो ये वैशाली के हैं रमेश बाबू, उन्हीं को मिला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के जो प्रशिक्षण जिसे ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना, उस पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नागेश्वर कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये हम पढ़कर बता देते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया? ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये दूसरी बार इनको सम्मानित किया गया, इससे पहले 2023 का भी अवार्ड इन्हें ही मिले था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? सक्सगाम घाटी की वजह से भारत और चीन में विवाद उत्पन्न हुआ है और एक काराकोरम में है। ठीक है, काराकोरम में आप बताएंगे कमेंट कर कर कि कौन सा दर्रा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है मैक्सिको में, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो ये बना है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का और
यूएसए का, ठीक है, अमेरिका का टीम भी इस बार पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न, आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों नामीबिया के साथ। किसके साथ? नामीबिया के साथ किया है, ठीक है। NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली, याद रखिएगा, नामीबिया के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए और छोटा कर देते हैं, दिखाई देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रिलियन रुपये से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत के शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल किया? ट्रिलियन रुपये से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल किया? तो ये किया है ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा #PlayTrue अभियान का संबंध किससे है? चर्चा में रहा #PlayTrue अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से, ठीक है। #PlayTrue राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहली बार दिल्ली से दुबई रूट पर एयरबस A350 से 900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया ने किया है, ठीक है। पहली बार A350 से 900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने किया? तो ये अपना भारत का एयर इंडिया ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाला फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया? वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया RBI ने। किसने लॉन्च किया है? RBI ने दोस्तों लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा RBI ने। ये इम्पोर्टेंट है चूँकि करंट अफेयर टारगेट हमारा BPSC और BPSC टीचर और SSC बिहार SSC का जो हाल ही में अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है उसी के से रिलेटेड है। चाहे भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पर होते हैं उसमें करेंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए इसको पढ़कर सुना देते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो भारत का स्थान इसमें 159वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुआ है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो ये अपना भारत है दोस्तों, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के साथ हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है आपका यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये देखिए करीना कपूर को बनाया गया है, यूनिसेफ, ठीक है ना। किसको? यूनिसेफ, याद रखिएगा। इसमें करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया है? बनाया गया है, ठीक, क्लियर हो गया। देखिए यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबल पुरस्कार दिया गया था, 1965 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद है यूनेस्को गिलिमो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को गिलिमो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फिलिस्तान को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को गिलिमो कैनो पुरस्कार फिलिस्तान को दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किस देश ने लॉन्च किया है?
एआई रजनाइक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन ने, विक्टोरिया सी को यूक्रेन ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ हुआ? FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है? अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है तो गुजरात, गुजरात में। ठीक है ना, अजरक वस्त्रकला है जिसे GI टैग मिला, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, GI टैग से हमेशा एक दो प्रश्न आते रहते हैं BPSC में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो ये जवागल श्रीनाथ को। ठीक है, T20 विश्व कप के लिए ICC ने जवागल श्रीनाथ को रेफरी नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? महिला T20 विश्व कप का 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये तो हो गया है। ठीक है, कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ? बांग्लादेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अभी होने वाला है बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला 9वें ICC महिला T20 विश्व कप। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है, पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किसने किया? पैराफिन ईंधन से चलने वाला रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो ये हाई इम्पल्स कंपनी ने किया, हाई इम्पल्स कंपनी, याद रखिए किसने, हाई इम्पल्स कंपनी ने किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, ये मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, मेरिल स्ट्रीप को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विमानवाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण किस देश ने किया? फुजियान का समुद्री परीक्षण किसने किया? तो ये दोस्तों चीन ने किया। ठीक है, चीन ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि नए COVID-19 वेरिएंट फ्लॉट किसने, फ्लॉट किस देश ने दस्तक दी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, USA जिसको बोलते हैं, नए COVID-19 वेरिएंट फ्लॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय कौन सा? बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉम्स और कुबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो इसमें चीन बन गया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता चीन बना है, चीन के फीमेल और मेल दोनों बने हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों भावी मेहता को। ठीक है, भावी मेहता को सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पहली बार किस देश ने मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है। पहली बार किस देश ने मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की है, तो ये पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने मुफ्त योग कक्षाएं शुरू किया है। हमारे भारत में 8% एजुकेशन पर GST लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भविष्य पोर्टल है। ठीक, भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भविष्य पोर्टल है दोस्तों, भविष्य पोर्टल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस के राष्ट्रपति पद 6 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिया। रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिया, तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, पुतिन भी बोल सकते हैं आप शॉर्टकट। ठीक है, पुतिन जो है ये 6 वर्ष के लिए नए शपथ लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किस देश ने की है, तो ये किया है नेपाल ने। ठीक है, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा नेपाल ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है, विश्व की पहली पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि CNG जानते हैं, CNG से ना तो कोई प्रॉब्लम होगा किसी को, ठीक है, और ना ही किसी भी तरह का किसी को परेशानी भी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से देखेंगे, चूँकि CNG की बात बोल रहा है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बजाज ऑटो। ठीक है, ये विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च किया है किसने, बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी, तो ये बोइंग के सहयोग से। ठीक है, बोइंग के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिए, मैड्रिड ओपन 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये एगा स्वियातेक। ठीक है, एगा स्वियातेक ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है, तो ये सिक्योर है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये सिक्योर आई, इसको वो बोलेंगे, ठीक है ना, IoT भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिक्योर IoT। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है, पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये सर्बिया में पाया गया था। ठीक है, हाल ही में आपने मई का जो न्यूज़ पढ़ा होगा उसमें देखा था कि इसमें जो खोज किया गया था, ठीक है, पुरातत्वविदों ने जो खोज किया था, तो ये कहाँ खोज किया था, सर्बिया में। ठीक है, दोस्तों मालूम होना चाहिए कि पूरा पहले सर्बिया के बनत क्षेत्र में विशाल आकार का एक प्रागैतिहासिक बस्ती का खोज किया गया। ठीक है, और इसे 7000 वर्ष पुराना बताया गया है। कितना, एक वर्ष नहीं, 7000, आप कल्पना कर सकते हैं, 7000। लोग आजकल 100 वर्ष नहीं जी पा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया। BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो कब मनाया, तो देखिए BRO ने अपना 7 मई को मनाया था। कब मनाया था, 7 मई को। अगला प्रश्न है कि स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये मणिपुर में हुआ। ठीक है, ये मणिपुर में हुआ। 5 मई 2024 को मणिपुर के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, याद रखिएगा। ठीक है, इम्फाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, तो एक तो प्रश्न हो गया, स्कूल ऑन व्हीकल्स का उद्घाटन मणिपुर में किया किसने किया, तो मणिपुर के राज्यपाल
कौन है? अनसुईया उइके, अनसुईया उइके, ठीक, अनसुईया उइके देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बैटिलिप्स चंद्रयानी जिसका नामांकन चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध समुद्री टार्डिग्रेड से है, समुद्री टार्डिग्रेड से। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड का कहाँ आयोजन किया? तो पंजाब में किया, गगन स्ट्राइक सेकेंड का आयोजन पंजाब में किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के श्रेणी में चुना गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किस देश ने किया? पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किस देश ने किया? तो ये श्रीलंका ने किया है, ठीक है, पवन ऊर्जा स्टेशन के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ये भारत के अडानी ग्रुप से इसका समझौता हुआ है। ये नहीं पढ़, हाँ ये देख लेते हैं, ये साफ है यहाँ से। अगला प्रश्न, विश्व थैलीसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व थैलीसीमिया दिवस ये 8 मई को मनाया गया, ठीक है, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया? दोस्तों आपको मालूम है कि बीपीएससी का 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना होता था हर समय, ठीक है, कितना 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना होता था, लेकिन इस बार नहीं होगा क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर जो तांतवा जाति था, ठीक है, तांतवा जाति था जो पहले ओबीसी में आता था, 2015-16 में इसे नीतीश कुमार ने एसी कैटेगरी में कर दिया, इस यह केस चल रहा है, ठीक है, यही केस के वजह से अभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा और अक्टूबर तक भरा जाएगा और नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। वेस्ट नाइल फीवर के मामले में सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? तो केरल में, वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है, एक तरह का बुखार है और एक केरल में अलर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई सिटी एफ सी इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता मुंबई सिटी एफ सी है। अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न यहाँ देख लीजिए, क्या है? इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है ICICI बैंक ने, ठीक है, इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ICICI बैंक ने प्रारंभ किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका Formula 1 मियामी ग्रैंड फ्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नारिस का संबंध किस देश से है? लैंडो नारिस कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन का है, ठीक है, Formula 1 मियामी ग्रैंड फ्रिक्स में इन्होंने करियर का पहला ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। अगला प्रश्न है आपका, चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी फ्री डेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा? चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ठीक, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक, इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, आधा आधा कर कर, चूँकि 200 प्रश्न बने हैं इंपॉर्टेंट मई का, ठीक है, मई महीने से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, इतना मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक, तो फिर अगला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी टारगेट अगर आपको करना है तो, ठीक।